अंदर डिस्कस कर रहे थे जो हम लोग, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स जनरली, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे आज अभी कि पॉलिनेशन जो इवेंट है, ये पॉलिनेशन एक्चुअली दो प्रकार के हो सकते हैं। वन विल बी द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर वन विल बी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझने से पहले हमें अगेन वी विल बी गोइंग थ्रू सर्टेन टर्म्स जो कि यूज होता है हमारा फूल को समझने के लिए, दैट इज द फ्लावर, क्लियर। नाउ फर्स्ट फ्लावर रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी हमें यहां पर चाहिए होगा, एक दैट द फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर और इट कैन बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। यूनिसेक्सुअल हमें समझ में आता है, प्रेजेंस ऑफ ओनली या प्रेजेंस ऑफ आइदर मेल और द फीमेल पार्ट, इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल के अंदर हम लोग बात करेंगे, सो प्रेजेंस ऑफ बोथ द मेल एंड द फीमेल पार्ट अगर होगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लियर, ठीक। बाइसेक्सुअल को समझने के लिए हमें और अच्छी तरह दो टर्म्स का यूज रहना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ दो अगर आपका मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक फूल के अंदर हुआ, इसका मतलब ही कि वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, मतलब और अच्छी तरह समझो, ये आपका एक फूल हुआ, ठीक। दिस इज योर स्टॉक, दिस इज योर द सेपल्स, दिस इज योर द पेटल्स, ये उसका एंथर हुआ और ये उसका ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा हुआ, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब है कि इसके जो आपके पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, ये पोलन ग्रेन्स आपके आंखे और इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके और यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन मतलब विद इन वन फ्लावर हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो मतलब केस तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन का क्या होगा कि द एंथर विच विल बी रिलीज फ्रॉम वन फ्लावर विल बी मूविंग एंड ट्रांसफरिंग इटसेल्फ टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको हम लोग नाम देंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर। बट हमेशा मतलब ये अगर कहीं पर लिखा होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ऑलवेज देयर विल बी सेल्फ पॉलिनेशन, अगर ये स्टेटमेंट आता है, दोबारा सुनो, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स शो सेल्फ पॉलिनेशन, तो दिस स्टेटमेंट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग। समझ में आया क्यों रॉन्ग होगा, इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें आपका रहेगा टाइम ऑफ एक्टिवेशन। क्या एक्टिवेशन, ना हो सकता है एक बाइसेक्सुअल फूल के अंदर, अच्छी तरह देखना, हो सकता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर द मेल पार्ट दैट इज योर एंथर गेट्स फंक्शनल, ये बिल्कुल फंक्शनल हो जाता है, रेडी हो जाता है टू रिलीज पोलन्स, ये कंडीशन हो सकता है। और द स्टिग्मा इज रेडी टू रिसीव द मैच्योर पोलन्स, ठीक। दो कंडीशन हो सकता है, एक कि एंथर का आपका रिलीजिंग टाइम, रिलीजिंग ऑफ द पोलन्स, और ये स्टिग्मा का एक्सेप्टिंग टाइम, इन दोनों का जो टाइमिंग है
वो दोनों का टाइमिंग एक साथ अगर होगा कि ये रिलीज किए पोलेंस और ये स्टिग्मा इस पोलेंस को एक्सेप्ट कर लिए, ये दोनों टाइम अगर सेम होगा तो अब भी मैं बोल सकता हूं कि यस यहां पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, अदरवाइज नॉट। तो किसी किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर दिख जाता है कि बिफोर द फीमेल पार्ट गेट्स एक्टिवेटेड द मेल पार्ट बिकम्स फंक्शनल। बिफोर जो आपका फीमेल पार्ट होगा, बिफोर दिस फीमेल पार्ट गेट्स एक्टिवेटेड, क्या होगा, मेल पार्ट बिकम्स फंक्शनल। ठीक, सो मेल पहले हो रहा है तो पहले के लिए इस टाइप ऑफ फ्लावर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले मींस प्रो। ठीक, क्लियर। और कौन सा पार्ट हो रहा है पहले एक्टिव, मेल पार्ट। मेल पार्ट को मैंने क्या बोला था, एंड्रोशियम, तो एंड्रो समथिंग। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रोटैंड्रस फ्लावर। दिस टाइप ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज Protandrous flower and the phenomena will be known as protandry. So protandrous flower किसको बोलेंगे, एक ऐसा bisexual flower जिसमें male part जो है it is getting ready to release the pollens much before than the stigma getting आपका ready to receive the pollen, जिसके अंदर male part जल्दी आपका तैयार हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं कि यहां पर पहले द फीमेल पार्ट इज गेटिंग रेडी, स्टिग्मा बिल्कुल रिसेप्टिव हो गया है टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ पोलन्स। ठीक है, बट उसी के साथ जो आपका मेल पार्ट है वो अभी तक आपका इनएक्टिव है, वो अभी तक आपका फंक्शनल नहीं हुआ है, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे प्रोटोगाइनस फ्लावर। ये कैसा टाइप ऑफ फ्लावर होगा, दिस विल बी योर प्रोटोगाइनस फ्लावर, और ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग नाम देंगे प्रोटोगाइनी। क्लियर, सो ये दोनों कंडीशन हो सकता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का इफ देयर इज डिफरेंस इन द टाइम ऑफ एक्टिवेशन। ठीक, ये दोनों कंडीशन कब हो सकता है, अगर टाइम ऑफ एक्टिवेशन जो है ये टाइम ऑफ एक्टिवेशन अगर इज डिफरेंट, फिर आपके ये दो कंडीशन हो सकता है, अगर मेल पहले होता है तो प्रोटैंड्रस फ्लावर और अगर फीमेल पहले डेवलप हो जाता है तो प्रोटोगाइनस फ्लावर। क्लियर है, सो अगर ऐसा कंडीशन होता है सो इट विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है, यहां तक समझ में आया हमें। ठीक, अगर ये पोर्शन समझ में आ गया है तो इसके बाद प्लांट रिलेटेड हमें और दो चीज याद रखना पड़ेगा। सो अगर हमें याद आ गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, दैट इज प्रोटोगाइनस, प्रोटैंड्री, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और टाइप ऑफ प्लांट बॉडी दैट इज योर मोनोशियस एंड डायोशियस, उसके बाद आसानी से हम लोग अब पॉलिनेशन के टाइप्स को समझ सकते हैं। यहां पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इस सेल्फ पॉलिनेशन को फर्दर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके और लिख सकते हैं, पहला वाला जो होगा दैट विल बी ऑटोगैमी। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, पहले को लिख सकते हैं ऑटोगैमी एंड द नेक्स्ट टाइप विल बी योर जेइटोनोगैमी। ठीक है, एक हो जाएगा ऑटोगैमी और द सेकंड वन विल बी योर जेइटोनोगैमी। इन दोनों को हमें समझना है अच्छी तरह। ऑटोगैमी जो होगा दैट विल बी, ये सब में आपका देखो कॉमन है पॉलिनेशन, सो पॉलिनेशन मतलब ही देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ द पोलेंस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, वो तो सब में ही हो रहा है। ऑटोगैमी के अंदर ट्रांसफर जो होगा, द ट्रांसफर जो होगा इट विल बी टेकिंग प्लेस विद इन द, याद रखना पड़ेगा, विद इन द सेम फ्लावर। अगर एक ही फूल के अंदर उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके वो पोलन ग्रेन्स गिरे, दैट फेनोमेना विल बी टर्म्ड एज ऑटोगैमी। समझ में आया, सो इट विल बी ऑलवेज टेकिंग प्लेस, इट विल बी ऑलवेज
taking place in bisexual flowers. बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि bisexual flower provided, कैसे bisexual flower, जिनका time of activation of the male and the female part is the same. Simultaneously अगर किसी के अंदर the male stamen and the female pistil is getting activated, उनके अंदर उस type of bisexual flowers के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि कैसा type of pollination होगा, autogamy. कोई दिक्कत, ठीक. So यहां पर हमें सेम फ्लावर याद रखना है, सेम फ्लावर के अंदर ही आपका ट्रांसफर होगा. जेटोनोगैमी के अंदर हमें याद रखना है, बहुत अच्छी तरह मैं पूरा ही लिखूंगा यहां पर, अच्छी तरह सुनो. ट्रांसफर ऑफ किसका, पोलेंस, कहां से, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर. मतलब क्या हुआ, यहां पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है कहां से, फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर. मतलब क्या है इसमें, मतलब ये है कि यहां पे दो अलग अलग इंडिविजुअल फ्लावर का, फ्लावर के बीच आपका ये पॉलिनेशन हो रहा है. बट मेन चीज है प्रोवाइडेड दैट बोथ द फ्लावर्स शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फ्लावर एक फूल से दूसरे फूल तक होगा, मतलब दो फूल यहां पे इन्वॉल्व्ड है. बट प्रोवाइडेड दैट बोथ द टू फ्लावर्स विल बी प्रेजेंट ओवर द सेम प्लांट. अगर प्लांट एक ही है जिनके बीच, अब हो सकता है ये प्लांट आपका, मतलब कैसा प्लांट होगा, मोनोशियस प्लांट होगा, ठीक. So, हो सकता है ये फूल यूनिसेक्सुअल हो. सो बोथ द स्टैमिनेट एंड द पिस्टिलेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. हो सकता है प्रोटोगाइनस और आपके द प्रोटेंड्रस, मतलब ये प्लांट तो आपका बाइसेक्सुअल है बट उनमें आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक, क्लियर है. सो यहां पर सेम प्लांट के बीच अगर उसके आपके दो अलग अलग फूल में होता है तो उसी का टर्म हम लोग देंगे जेटोनोगैमी, क्लियर. और फाइनली क्रॉस पॉलिनेशन. सो ऑब्वियसली देखो, क्रॉस मतलब स्टार्ट विद द एक्स. सो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग यहां पर जेनोगैमी बोलते हैं, ठीक है. सो ऑटोगैमी, जेटोनोगैमी, दीज आर द टू टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड जेनोगैमी इज योर क्रॉस पॉलिनेशन. जेनोगैमी में क्या बोलेंगे ना, जो भी यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है पूरा का पूरा सेम स्टेटमेंट हो जाएगा, बट जहां पर ये पोर्शन आया इस पोर्शन में हो जाएगा दैट बोथ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. मतलब यहां पर छोटे छोटे करके लिख देते हैं, ट्रांसफर ऑफ किसका होगा, पोलेंस फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट प्लांट. समझ में आया, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पोलेंस हो रहा है कहां से, वही सेम एंथर से आपका स्टिग्मा तक होगा. एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर बोर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट. अगर दो प्लांटों के बीच हो रहा है, दिस इज योर प्लांट ए, दिस इज योर प्लांट बी, इस फूल के एंथर से
इस फूल के आपके जो ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा है, यहां से लेके अगर दो प्लांटों के बीच होता है ये पोलन ग्रेन का आपका ट्रांसफर, तो इसी को ही हम लोग नाम देंगे जेनोगैमी। यहां पर क्या हो रहा था, बी दिस योर प्लांट ए एंड बी दिस योर, यहां तो दो प्लांट की जरूरत ही नहीं है हमें, तो यहां पर हो सकता है दिस इज योर पिस्टिलेट फ्लावर एंड दिस इज योर स्टेमिनेट फ्लावर, तो स्टेमिनेट मेल है, तो इस फूल से लेते हुए इस फूल में, तो दो अलग अलग फूल के बीच हो रहा है बट दोनों ही फूल आपके एक ही प्लांट के ऊपर हो रहा है, तो इस टाइप ऑफ आपका हो जाएगा जेइटोनोगैमी। और यहां पर क्या होगा, एक ही फूल है जिसमें दिस इज योर स्टिग्मा एंड दिस इज योर स्टेमेन, इस स्टेमेन से लेते हुए अगर इसी फूल के अंदर ही आपका पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग नाम देंगे ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी, जेइटोनोगैमी, जेनोगैमी, ये दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ योर पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है कि किसके जरिए ये ट्रांसफर होगा, सो वहां पर हमारा, मैंने आपको नोट्स में लिख दिया है, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन उतना ज्यादा नहीं है, दैट इज देयर विल बी बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। बायोटिक मतलब जहां पे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल बी एक्टिंग एज अ वेक्टर और एक्टिंग एज एन एजेंट विच विल बी हेल्पिंग टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और एबायोटिक के अंदर हो सकता है विंड, हो सकता है वॉटर, ठीक, दे कैन बिकम द एसेंशियल एजेंट्स विच विल हेल्प टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा, ठीक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन डिटेल। और अब हमें समझना है अच्छी तरह द स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन हम लोग स्टेप पढ़ने वाले हैं, ये फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक इवेंट किसके अंदर, इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट्स, क्लियर। ये जो फर्टिलाइजेशन हम लोग प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, जनरली दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्या इवेंट बोलते हैं इसको हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हाई, नेम सजेस्ट दैट द फर्टिलाइजेशन स्टेप इज टेकिंग प्लेस टू टाइम्स, क्लियर। ये जो फर्टिलाइजेशन होगा, ये फर्टिलाइजेशन दो बार होगा, ठीक। अब बिफोर फर्टिलाइजेशन कहां तक था ना, अब हमारा जो पोलन ग्रेन है वो पॉलिनेशन के दौरान फ्रॉम द एंथर इट हैज लैंडेड टू द स्टिग्मा, क्लियर। तो दिस इज माई पोलन ग्रेन, दिस इज माई पोलन ग्रेन विच आफ्टर पॉलिनेशन हैज लैंडेड ओवर ऑन द स्टिग्मा, ठीक। अब चैप्टर टू दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जब हम लोग मूवमेंट इन प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे, एक मूवमेंट हमारे सामने आया था, दैट इज कॉल्ड द केमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमोट्रॉपिक मतलब मूवमेंट शोन बाय द प्लांट टूवर्ड्स द स्टिम्यूलस, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, स्टिम्यूलस द केमिकल, क्लियर। और उसका एग्जाम्पल था कि मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब या द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल ड्यूरिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आके आपके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, इन दोनों के बीच अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस विल बी गोइंग ऑन। क्यों, व्हाई ना, सपोज करो दिस इज अ हिबिस्कस फ्लावर। कैसा फ्लावर है, दिस इज अ हिबिस्कस फ्लावर, ठीक है, या फ्लावर ऑफ अ चाइना रोज। अब चाइना रोज एक लौता तो नहीं होगा एक गार्डन के अंदर, सपोज करो देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावर, लाइक द रोज आर देयर, द आपके मैरीगोल्ड है, पैंसी है, लिली है, काफी सारे अलग अलग फ्लावर्स है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस स्टिग्मा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हिबिस्कस के ही पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, हो सकते हैं कुछ अनवांटेड पोलन ग्रेन्स भी इसके पास गिर जाए, ठीक। ये तो इसके खुद के पोलन ग्रेन है, ये सपोज करो द अनवांटेड पोलन ग्रेन है ऑफ अनदर स्पीशीज, दिस इज द अनवांटेड पोलन ऑफ सम अदर स्पीशीज, ठीक, क्लियर। सो अब ये जो स्टिग्मा है या जो पिस्टिल है,
ये पिस्टल के पास बहुत अच्छा अपना आपका पावर है टू रिकॉग्नाइज इट्स ओन पोलन. क्या बोला मैंने? ये जो पिस्टल है मेरा, ये पिस्टल के पास एक बहुत अच्छा शक्ति है कि वो अपने स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन्स है उसको वो बहुत अच्छी तरह पहचान सके. क्लियर? और जैसे ही आपका पहचान लिया, तब ये अलाउ किया इस पोलन ग्रेन को अपने अंदर से पोलन ट्यूब फॉर्म करने के लिए. समझ में आया? क्लियर? दिस स्टिग्मा विल बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट ऑफ पोलन्स. सम मे बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, सम मे बी ऑफ द सेम स्पीशीज. क्लियर? तो दिस स्टिग्मा विल ओनली बी अलाउइंग द पोलन्स ऑफ द सेम स्पीशीज टू फॉर्म द पोलन ट्यूब. सो ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देते हैं द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. क्लियर? ठीक. ये जो पोलन ट्यूब आ रहा है, इस पोलन ट्यूब के पास अब देयर आर टू मेल गैमेट्स. मतलब मेल गैमेट्स कितने हो रहे हैं एक पोलन के अंदर? देयर आर टू मेल गैमेट्स विच आर नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द ओव्यूल. ठीक. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपके दो मेल गैमेट्स होंगे. यहां पर क्या है ना, दिस इज योर एग सेल. ये क्या है आपका? दिस इज योर एग सेल. ठीक. और जस्ट एग सेल के ऊपर ये जो सेंट्रल सेल था, यहां पर आपका क्या स्ट्रक्चर था? यहां पर आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस था. यहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस था. ठीक. तो अब धीरे धीरे ये जो पोलन ट्यूब है, दिस पोलन ट्यूब विल बी मूविंग एंड इट विल बी एंटरिंग द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड. क्या याद रखना पड़ेगा? ये जो पोलन ट्यूब नीचे आ रहा है, ये नीचे आके एंट्री कहां से करेगा? जहां पे माइक्रोपाइलर एंड था. मतलब जहां पे आपके इंट्यूबमेंट्स नॉट कवर्ड थे, तो उस माइक्रोपाइलर एंड से आपका ये पोलन ट्यूब अंदर जाएगा. और तब सबसे पहला, यहां पर कितने आपके फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं? बिकॉज देयर आर टू गैमेट्स, सो ऑब्वियसली डबल फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या इवेंट्स होता है. सबसे पहले वन मेल गैमेट विल बी फ्यूजिंग विथ द एग सेल. जो फीमेल एग सेल है उसके साथ वन मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है. और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? स्ट्रक्चर जो बन रहा है, दैट इज द जाइगोट. क्लियर? सिमिलरली जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर जो दूसरा मेल गैमेट था, दैट इज द अनदर सिंगल मेल गैमेट, प्लस यहां पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, द सेकेंडरी न्यूक्लियाई, इसके साथ ये फ्यूज होके बना देता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देंगे द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक. इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इसको नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. काफी जगह पे इसी को ही हम लोग पेन के नाम से भी जानते हैं. ठीक. क्लियर? सो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये क्यों एक यूनिक इवेंट बन रहा है? दिस इज यूनिक बिकॉज दिस डबल फर्टिलाइजेशन, ये दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दिस इज ओनली एंड ओनली हैपनिंग इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो सिर्फ इसी के अंदर ही आपके डबल फर्टिलाइजेशन होगा. समझ में आया अच्छी तरह? क्लियर? सो फटाफट देख लो किसके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होगा. एक मेल गैमेट और एक एग सेल. दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. और पहला फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या निकल के आया, क्या स्ट्रक्चर बना? जाइगोट.
क्लियर। सिमिलरली ये जो आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज बिटवीन द सेकेंड मेल गैमेट एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सो ये दोनों मिलके बन जाएगा आपका द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज जनरली एब्रीविएटेडली नोन एज द PEN। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? ठीक। सो अब हमारे पास जाइगोट भी बन गया, अब हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन गया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब हमारे पास क्या क्या आ गया है। हमारे पास अब जाइगोट आ गया है और हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आ गया है। ठीक है, जाइगोट अब धीरे धीरे आपके जाइगोट विल बी यूनिसेल्यूलर। तो ये जाइगोट जैसे ही आपके डिवीजन करेगा ये धीरे धीरे बनेगा एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर। इट विल बी फॉर्मिंग द एम्ब्रायो। क्लियर? ठीक। और ये जो PEN है ये तो सबसे पहले बनेगा आपका द एंडोस्पर्म। अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म। ना एंडोस्पर्म जो है दिस विल बी फॉर्मिंग अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। दिस इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, मतलब दिस एंटायर स्ट्रक्चर जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अभी तक स्ट्रक्चर क्या था? ओव्यूल था और ओवरी था। ठीक, क्लियर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर ये जो दोनों इवेंट्स हो रहे हैं कहां पर हो रहा है? बोथ इज हैपनिंग इनसाइड द ओव्यूल। हाँ या ना? ठीक। सो अगर ओव्यूल के अंदर हो रहा है तो ओव्यूल विल बी फॉर्मिंग द सीड एंड द ओवरी विच विल बी एनक्लोजिंग द ओव्यूल, दिस ओवरी विल बी फॉर्मिंग द फ्रूट। समझ में आया? क्लियर है क्या बोला मैंने? ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हुआ? ओव्यूल के अंदर हुआ। ठीक। और अब ये सीड है जिसके अंदर देयर इज द एम्ब्रायो एज वेल एज देयर इज द एंडोस्पर्म। ठीक। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? ये एम्ब्रायो क्या है? अब यही एम्ब्रायो आपके सीड के अंदर जब मैं सीड को लगाऊंगा तो दिस एम्ब्रायो विल बी नाउ ग्रोइंग अप इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक। सो इसको कॉन्स्टेंटली खाने की जरूरत पड़ेगा, तो वो खाना इसको कौन प्रोवाइड करेगा? ना ये जो एंडोस्पर्म है ये इसको धीरे धीरे क्या देता रहेगा? ये इसको प्रोवाइड करता चला जाएगा न्यूट्रिशन। समझ में आया? क्लियर है? ठीक। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जो ओव्यूल होगा दिस विल बी टर्निंग आउट टू बी द सीड। ठीक। सो ये दोनों आपके जो स्ट्रक्चर है ये दोनों स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाएगा? ये आपका एक सीड के अंदर पाया जाएगा। ठीक। क्लियर। और ये सीड किसके अंदर होगा? इट विल बी एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक। अब जनरली हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसको ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड इंटू टू डिफरेंट क्लासेस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक डाइकोटिलेडंस और एक बोल सकते हैं मोनोकोटिलेडंस। ना ये जो डाई मतलब टू और मोनो मतलब वन। अब ये डाइकोटिलेडंस और मोनोकोटिलेडंस के अंदर देयर इज वन कॉमन दैट इज अ कोटिलेडंस। सो ये कोटिलेडंस मतलब हो जाएगा सीड लीफ। ठीक। अगर ये सीड के अंदर देयर विल बी ओनली अ सिंगल सीड लीफ विच कैनॉट बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, उसको बोलेंगे मोनोकोटिलेडंस। क्लियर। सो मोनोकोटिलेडंस के अंदर सिंगल सीड लीफ होता है
there will be the presence of the single seed leaf, whereas जो dicotyledons होगा इसके अंदर होता है two seed leaves, ठीक, which are joined at the embryonal axis. कहां पर joined होगा? At the embryonal axis, ये joined होगा. Clear है? ठीक. इन दोनों के अगर हमें examples चाहिए होगा, तो examples के तौर पे याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह. अगर हम लोग मोनोकॉर्ड याद रखते हैं, so all the cereals, जितने भी अनाज, जैसे राइस, वीट, बाजरा, मेज, ये जितने भी अनाज होगा, ये सब के सब कैसे हो जाएंगे? They will be all cereals. ठीक? Whereas if I talk about dicotyledons, all the pulses, जितने भी दाल हम लोग लेते हैं, clear? ठीक? जैसे मूंग, मसूर, then चना, ठीक? ग्राउंड नट या मूंगफली, बादाम, इवन योर मस्टर्ड, मैंगो, फ्रूट्स के अंदर ये सारे के सारे हो जाएगा आपका डाइकोटिलेडनस आपके सीड. क्लियर है? ठीक. डाइकोटिलेडनस सीड को अगर मैं दिखाता हूं, सो ऑब्वियसली अगर मैं द ग्राम और द दिस इज योर द ग्राम सीड, और ग्राम सीड को अगर थोड़ा सा भी मैं प्रेशर दू, सो ऑब्वियसली इट विल बी डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, और ये जो दोनों पार्ट है ये आपके कहां पर जॉइंट होके रहेगा ना? एट द एम्ब्रायनल एक्सिस. सो दिस पार्ट ओवर हियर, इसी स्ट्रक्चर को मैं नाम दे सकता हूं द एम्ब्रायो. क्लियर? दिस इज द एम्ब्रायो. ठीक. So this embryo will be having two regions, one which will be moving upwards, जिसको हम लोग नाम देंगे यहां पर the plumule, और ये क्या बनाएगा? It will be growing, grows to form the shoot of the plant. ठीक वैसे ही ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग नाम देते हैं रेडिकल, और ये रेडिकल क्या फॉर्म करेगा? दिस विल बी ग्रोइंग इनटू द रूट. ये क्या फॉर्म करेगा? दिस विल बी फॉर्मिंग द रूट. और ये जो दो पोर्शन होगा, दिस पोर्शन विल बी हैविंग द एंडोस्पर्म व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड इन फीडिंग द एम्ब्रायो. सो दिस विल बी the two cotyledons. समझ में आया? क्लियर? तो आगे बढ़ फटाफट चलिए देख लेते हैं the post fertilization events. post fertilization events से पहले हम लोग बात कर रहे थे fertilization का. fertilization कहां पे हुआ? inside the ovule. क्लियर? ठीक. so अब मेरा जो ये zygote है और ये जो PEN, these both the structures are present inside the ovule. क्लियर? अब धीरे धीरे जैसे अंदर में आपका development होगा, this ovule will be forming the seed and the ovary will be forming the fruit. जब fruit formation हो जाएगा, बाकी के जितने भी आपके parts थे, that is the style, the stigma, the petals, ठीक? किसी के साथ साथ आपके sepals, clear, the anther, androecium वगैरह, ये सारे धीरे-धीरे degenerate हो जाता है और रह जाएगा आपका this ripened ovary will be forming the fruit which will be enclosing the seed. Clear? जैसे zygote आपका मल्टीसेल्युलर होता हुआ जाएगा, वो बनाएगा द एम्ब्रायो, और यही स्टेज को हम लोग बात करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो. क्लियर? एम्ब्रायो के पास अपना कोई पोषण वगैरह स्टोर्ड फूड नहीं है, ठीक.
सो ये स्टोर्ड फूड कहां से लेगा? नाउ फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस ऑफ द एम्ब्रायो देयर इज अ सेकंड स्ट्रक्चर दैट इज द PEN व्हिच फॉर्म्स द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म एक्चुअली इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू व्हिच विल बी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग और द ग्रोइंग एम्ब्रायो. क्लियर? फाइनली ये आपके टोटल हो जाएगा सीड के अंदर, और सीड को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीड लीव्स. अगर सिंगल सीड लीव है तो मोनोकॉट, अगर दो सीड लीव होता है तो डाइकॉट. क्लियर? इफ देयर इज टू सीड लीव देन बोथ द सीड लीव्स विल बी जॉइंड अलोंग द एम्ब्रायोनल एक्सिस. क्लियर? ठीक. एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? अगर मोनोकॉट है तो जितने भी अनाज हम लोग लेते हैं दैट इज सीरियल्स. ठीक. फ्रॉम द पैडी द राइस द व्हीट द मेज ईच एंड एवरीथिंग विल बी कमिंग अंडर द मोनोकॉट. इफ आई टॉक अबाउट द डाइकॉट जिन जितने भी पल्सेस लेते हैं दाल लेते हैं हम लोग. ठीक. सो वो सारे के सारे आ जाएगा विद द ऑयल सीड्स दैट इज योर मस्टर्ड. ठीक. ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे डाइकॉट. स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपका कॉटिलेडन का. नॉर्मल अगर हम लोग देखेंगे एक डाइकॉट सीड का तो व्हेन इट विल बी स्प्लिटेड इनटू टू दिस टू विल बी द कॉटिलेडन्स व्हिच विल बी हैव द रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक. एंड बोथ दिस कॉटिलेडन्स विल बी अटैच्ड ऑन एन एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड द एम्ब्रायो विल बी कंसिस्टिंग ऑफ टू पोर्शंस. द अपर वन विल बी द प्लूम्यूल which will be forming the shoot and the lower one will be the radical which will be forming the root. ठीक है. So this is all about the sexual reproduction in plants. I hope you have understood it well. If there are any questions or any doubts in your mind, you can easily write me down in my WhatsApp number and I'll be telling you or solving you with your doubts. Okay. So in the next class we will be talking about the human sexual reproduction. Thank you and have a nice day.